संजय, सुनवाई शुरू हो चुकी है, क्या दलीलें रखी जा रही हैं बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई शुरू होने के साथ ही जो दलीलें रखी गई हैं वो सबसे पहले यही रखी गई कि उपाध्यक्ष ने जो एक्शन लिया है वो किसी भी तरह से संविधान के अनुरूप नहीं है, लिहाजा इसे कोर्ट इस पर स्टे लगाए। कोर्ट ने सीधा पूछा जस्टिस सूर्यकांत ने, ये आखिर आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच क्यों किया है आपने। उस पर उन्होंने कहा कि मामला इतना गंभीर है और चूंकि चर्चा फ्लोर टेस्ट को लेकर भी है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना ही मुनासिब समझा है ताकि सुप्रीम कोर्ट इसमें जल्द से जल्द उपयुक्त आदेश जारी करे ताकि उससे फिर ये जो संकट है इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट में बागियों की अर्जी पर सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। अब देखिए दोनों पक्ष से, तो हम ये माने कि बागी गुट की तरफ से तमाम दलीलें जो है वो इस वक्त दी जा रही हैं, डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो डेप्यूटी स्पीकर ने नोटिस जारी किया है उसी को लेकर शुरुआत हुई है। संजय, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। यहाँ चूंकि ये मामला चूंकि डिस्क्वालिफिकेशन की अर्जी एकनाथ शिंदे ने दी थी, एकनाथ शिंदे की अर्जी पे सुनवाई शुरू हुई है और याचिकाकर्ता की तरफ से नीरज किशन कौल उनका पक्ष रख रहे हैं और उन्होंने बहस की शुरुआत की और उन्होंने शुरुआत में साफ साफ कह दिया कि जिस तरह से चीजें डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी किया गया वो किसी भी तरह से संविधान के अनुकूल नहीं है और जो नियमावली है उसके भी अनुकूल नहीं है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं। अब दूसरा पक्ष इसमें जब शिवसेना की तरफ से जवाब दिया जाएगा तो उस समय देखा जाए कि वो क्या दलील अपनाते हैं। बिल्कुल, और उन्हीं की दलीलों का इंतजार रहेगा क्योंकि अभी पहले शुरुआत इधर से हुई है, मामला गंभीर इसलिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये भी जस्टिफाई करना है। संजय, जैसा आपने भी पहले कहा था कि आप दूसरे किसी कोर्ट में पहले नहीं गए, हाईकोर्ट नहीं गए, कहीं नहीं गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं, इसीलिए मामले की गंभीरता पर स्ट्रेस दिया जा रहा है शिंदे गुट की तरफ से। जी हाँ बिल्कुल, ये शिंदे गुट की तरफ से ये साफ साफ कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर ने जो कदम उठाए हैं वो किसी भी तरह से उचित नहीं है और शिंदे के वकील ने कहा है कि नोटिस को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि आप कह रहे हैं कि आपको अपनी जान की चिंता है, दूसरी आप कह रहे हैं कि स्पीकर ने आपको पर्याप्त समय नहीं दिया है। इस पर उन्होंने साफ कहा है कि जी हाँ, हमें लगता है कि 24 घंटे का समय उपयुक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे पहले कई जजमेंट में समुचित समय दिए जाने की बात की है, हालांकि ये वेग एरिया है, इसमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि मिनिमम समय कितना दिया जाना चाहिए, मैक्सिमम कितना दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जब कर्नाटक के मामले में ऐसी ही याचिका आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 72 घंटे का समय तय किया था और 72 घंटे में जवाब देने की मोहलत बढ़ाई थी। लिहाजा इन तमाम याचिकाकर्ताओं का साफ साफ कहना है कि कम से कम 14 दिन का समय उन्हें दिया जाना चाहिए था, कम से कम 14 दिन का समय दिया जाना चाहिए था। ये इस पर जल्दी से मौसमी अगर आप बैठी हैं तो प्रियंका जी से एक रिएक्शन ले लीजिए। जी देखिए, जिस तरह से प्रियंका ये बोल रहे हैं, एक मिनट म्यूट कर दीजिए, क्या क्या रिएक्शन है आपका कि जिस तरह से बोल रहे हैं कि समय जो दिया गया 24 घंटे का समय कम? आप मुंबई से महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, आपकी जिम्मेदारी आपकी कर्तव्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र जो है मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए, वहां से आप जाकर गुवाहाटी में बैठे हैं, तो ये डिप्यूटी स्पीकर की जिम्मेदारी नहीं है कि उनको ज्यादा मोहलत दें। ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में रहकर आप जब उन डिप्यूटी स्पीकर बुला रहे हैं वहां पे मौजूद रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो रीजनेबल टाइम देना चाहिए, 24 घंटे रीजनेबल टाइम नहीं माना जाता है? कर्नाटक असेंबली में भी 3 दिन का वक्त, देखिए 3 दिन का वक्त, वो डेप्यूटी स्पीकर, अगेन आई विल से कि वो उनके अधिकार हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। आप गुवाहाटी बैठे हुए हैं, आप सूरत से गुवाहाटी लोकल ट्रेन की तरह चला रहे हैं, तो आपको अगर डेप्यूटी स्पीकर बोल रहे हैं आने को समय अनुसार तो क्या दिक्कत है? 24 घंटे इज अ बिग इनफ टाइम फॉर यू टू रिटर्न फ्रॉम गुवाहाटी। यही तो ग्राउंड बनाया जाए कि तोड़ा मरोड़ा जा रहा है पूरे कानून को और हम लोग को फिजिकली थ्रेटन किया जा रहा है कि हम सब वापस आएंगे, 39 लोगों को थ्रेटन किया। मैंने फिर से रिपीट करूंगी, उन्होंने कहा आत्मा मर चुकी है, सिर्फ उनकी बॉडीज आएंगी, बॉडी का मतलब है शरीर आएगा, ये नहीं कहा था कि मृत शरीर आएगा, कहा था आत्मा मर चुकी है, ये खुद आपको याद होगा। जल्दी से एक बार फिर से संजय के पास चलते हैं, संजय नई दलीलों के साथ सामने आ रहे हैं। संजय बताइए क्या चल रहा है? अरे तो मैं लगा संजय
संजय को एक बार फिर से आप हमारे दर्शक इस वक्त सुन पाएंगे। 2019 में शिंदे सर्वसम्मति से पार्टी नेता चुने गए थे, ये तमाम बातें वहां पर रखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में बागियों की अर्जी पर सुनवाई जारी है और इसी कड़ी में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। 14 दिन का वक्त, सबसे पहले तो मामले की गंभीरता को वहां पर बताया गया है और बताया गया है कि आखिर ये मामला इतना गंभीर है, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा है। उन्होंने ये कहा है कि 14 दिन का वक्त डिप्टी स्पीकर को कम से कम देना चाहिए था। सुनवाई में राउत की कथित धमकी का मुद्दा उठा है और ये तमाम बातें सामने रखी जा रही हैं। संजय राउत ने जो कहा था कि एक इशारा ही काफी होगा। संजय शर्मा बताएं इस वक्त क्या हो रहा है, क्या दलीलें दी जा रही है, क्या धमकी का मुद्दा भी आ चुका है? धमकी का मुद्दा भी आ चुका है और कोर्ट ने पूछा क्या तो किसे जान का खतरा है और क्यों खतरा है। उन्होंने ये भी बताया है, अभी जो बहस चल रही है वो ये चल रही है कि नोटिस 22 जून को आया है और ये कहा गया कि डिप्टी स्पीकर बेवजह जल्दबाजी में है, इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, 24 घंटे में नोटिस का जवाब चाहिए। उन्होंने कहा ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है, लिहाजा कोर्ट इसमें दखल दे और जो जवाब देने का समय है वो पर्याप्त समय दिया जाए। कोर्ट ने इसमें पूछा है कि आखिर कितना समय चाहिए, इन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये मामला आया था कितना समय चाहिए, इन्होंने कहा कि पिछली बार जब ये मामला आया तो कम से कम 14 दिनों का समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले जब ऐसे मामले आए हैं सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि एक सफिशियंट समय जरूर दिया जाना चाहिए, एक रिजनेबल टाइम दिया जाना चाहिए, जो 24 घंटे किसी भी तरह से रिजनेबल नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। शिंदे के वकील ने साफ कहा है कि स्पीकर का नोटिस जारी करना गलत है, असंवैधानिक है, एक तरफा है, लिहाजा स्पीकर इस मामले में बहुत हड़बड़ी में दिखाई पड़ रहे। संजय, धमकियों वाली बात पर क्या टिप्पणी की गई है? धमकियों वाली बात पर ये नीरज किशन कॉल ने कहा है कि आर्टिकल 32 में हमने याचिका इसलिए, कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि आप 32 में आप सीधा सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, इनका ये कहना है कि चूंकि हमें धमकियां दी जा रही हैं, हमारी संपत्तियां और घर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लिहाजा हम 32 में यहां आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अप्रोच तब किया जा सकता है जब आपके बुनियादी अधिकारों पर कोई खतरा हो, बुनियादी अधिकारों का हनन हो। ऐसी स्थिति में संविधान आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करने का अवसर देता है, अधिकार देता है। तो इनका यह साफ कहना है कि चूंकि हमें फोन करके जान की धमकियां दी जा रही हैं, लिहाजा वो लोग यहां पर आए हैं और हमें हमारे घर और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे लिए ये बिल्कुल समुचित ग्राउंड है कि आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सीधे अप्रोच करने का, इसीलिए हम हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट आए हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी नागरिक को अगर उसके बुनियादी अधिकारों का हनन होता है तो वो अर्जेंसी में सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। वैसे कानून के हिसाब से आर्टिकल 226 226 के तहत हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। पहले भी अगर सिर्फ मामला राजनीतिक होता तब तो कोर्ट उन्हें कह सकता था कि आप सीधा हाई कोर्ट जाइए, लेकिन ये राजनीतिक नहीं, ये जीवन के अधिकार की दलील दी जा रही है, हमारी जान को खतरा है, जान मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नेता ये कह रहे हैं कि वो अब वहां मर चुके हैं, उनके सिर्फ शव वहां से वापस आएंगे, तो ये तमाम चीजें यहां बताई जा रही है।